को बताना चाहेंगे कि संयोग से आज हमारे साथ जो डॉक्टर प्रभात रंजन जी मौजूद हैं, उन्हें भारत का टोकोमेक डॉक्टर कहा जाता है, टोकोमेक डॉक्टर ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रभात रंजन जी से, ये टोकोमेक के बारे में उनका अपना कैसा अनुभव रहा, पूरे अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। तो पहले एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा। एक्चुअली 1980s में न्यूक्लियर फ्यूजन पर इंडिया में रिसर्च स्टार्ट हुआ जी, उसमें दो टोकोमेक बने थे एक्चुअली, एक कलकत्ता में साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में, और दूसरा जो विमान जी ने बताया कि आदित्य टोकोमेक, जो कि गांधीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में बना। सहा इंस्टीट्यूट में कौन सा टोकोमेक तैयार हुआ था? उसको हम लोग SINP टोकोमेक ही बोलते थे। अच्छा अच्छा। और मैं वहाँ 1986 में जब मैंने US में बर्कले में PhD किया न्यूक्लियर फ्यूजन में, 86 में वापस आया था, तो मैं कलकत्ता वापस आया था जी। तो 87 में पहला टोकोमेक एक्चुअली साइंस इंस्टीट्यूट में इंडिया का बना था, जो कि उसका मेन पार्ट जो है वो तोशिबा जापान में बन के आया था, और 87 में उसको यहाँ पर असेंबल किया गया था। और जैसा विमान जी ने बताया कि जो आदित्य टोकोमेक था जिस पर कि काम चल रहा था, वो 89 में स्टार्ट हुआ, और काफ़ी जो टोकोमेक कलकत्ता में था वो बहुत छोटा था कंपेरिजन टू आदित्य। आपने तो दोनों मेरा, काम किया। मेरा भाग ये था कि मैंने दोनों के साथ काम किया। अच्छा, 1986 से लेकर 1995 तक मैं कलकत्ता में था, 1995 से 2002 तक मैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च आदित्य में था, आदित्य का मैं प्रोजेक्ट लीडर भी रहा 1996 से लेकर 2002 तक। तो टोकोमेक जो कंसेप्ट है, इस ये एक रशियन एब्रीविएशन है। अच्छा, क्या है उसका मतलब? उसका साधारण तरीके से बोले तो टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर। अच्छा, लेकिन रशियन उसका नाम थोड़ा अलग है। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम काफ़ी दिन से चल रहा था, कुछ पहले कॉन्फिडेंशियल था, फिर बाद में 1958 के आसपास इसको ओपन किया गया। लेट 1960s में टोकोमेक का कंसेप्ट रसिया में एडमिट हुआ, और उसके रिजल्ट इतने चौंकाने वाले थे कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि जो टेम्परेचर उन्होंने अचीव किया, जो प्लाज्मा पैरामीटर्स अचीव किए। तो फिर इंटरनेशनल टीम ने जाकर उसको वेरीफाई किया कि ये वास्तव में सही है कि नहीं है, और उसके बाद जब इंटरनेशनल टीम ने वेरीफाई करके कहा कि वास्तव में ये सही रिजल्ट है, तो फिर पूरा विश्व का जो अटेंशन था वो बदल गया, और लोगों ने टोकोमेक पर काम करना शुरू किया। तो भारत में भी शुरुआत हुई तो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ ही। रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन कंसेप्ट बोल सकते हैं। अच्छा। रशियन कंसेप्ट बोल सकते हैं। और हम थोड़ा सा लेट आए क्योंकि हमारी काम यहाँ पर 80s में स्टार्ट हुई, लेकिन जो पहले से काम कर रहे थे अलग अलग देशों में, उन लोगों ने अपने जो डिवाइसेस थे उसको जल्दी जल्दी बदले, जैसे US में या UK में, और उन्होंने भी टोकोमेक पर काम करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो तापमान होता है प्लाज्मा का, इसमें बहुत हाई होता है। जी जी जी। उसको कन्फाइन करने के लिए एक जो तरीका है, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें दो तीन अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। एक वो होता है मैग्नेटिक मिरर कंसेप्ट। मैग्नेटिक मिरर कंसेप्ट एक लीनियर डिवाइस होता है, जिसमें हम ऐसा करते हैं कि दो एंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील करते हैं और बीच में वीक मैग्नेटिक फील करते हैं। अच्छा। उसमें यदि प्लाज्मा को डालते हैं तो वो कन्फाइंड रहता है, लेकिन उसमें फिर भी एंड से लीकेज होता है थोड़ा, लेकिन उसमें हम काफ़ी हाई डेंसिटी पर प्लाज्मा एनर्जी को कन्फाइन कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर डिवाइस हुआ। तो इसकी अपनी कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई भी है। दूसरा होता है जो कि हम बोलिए एक टोरॉइडल शेप में, एक सर्कुलर शेप बोलिए, या नॉट नेसेसरी सर्कुलर, हेलिकल भी हो सकता है। उसमें दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक टोकोमेक कंसेप्ट जिसमें थोड़ा सा आऊँगा, और दूसरा एक एक्सेलेरेटर का कंसेप्ट होता है। ये क्या है? एस्केलेटर एक ऐसी चीज़ बनाती है जिसमें कि वो एक टोरॉइडल डिवाइस है, उसका शेप बड़ा विचित्र सा होता है। अच्छा। लेकिन उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें प्लाज्मा जो है कंटिन्यूसली कन्फाइन रख सकते हैं काफ़ी देर, लंबे देर तक। लेकिन तो पहले काम एस्केलेटर पर ही स्टार्ट हुआ था। टोकोमेक जैसे मैंने बताया कि बाद में लेट 60s अर्ली 70s में कंसेप्ट आया। एस्केलेटर पर की कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन टेम्परेचर उतना हाई नहीं हो पा रहा था। तो मैग्नेटिक मिरर कंसेप्ट और एस्केलेटर कंसेप्ट पहले काम हो रहा था, बाद में टोकोमेक आया, लेकिन टोकोमेक के जो परफॉर्मेंस थी उतनी अच्छी थी कि लोगों ने उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो अभी जो मेन स्ट्रीम डिस्कशन हो रहा है वो टोकोमेक पर ही हो रहा है। तो टोकोमेक भी एक
टोरॉयडल डिवाइस है और उसमें प्लाज्मा जब हीटेड होता है उसमें एक प्लाज्मा करंट अंदर में फ्लो करता है। अच्छा, वो जो प्लाज्मा करंट है उसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो एक जो हम मैग्नेट क्वाइल डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वो समझिए कि एक टोरॉयडल चैम्बर के अलॉन्ग वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको टोरॉयडल फील्ड बोलते हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है उसका एक पोलॉयडल फील्ड बनता है। तो एक समझिए एक फील्ड ऐसे बना और दूसरा फील्ड उसके साथ साथ रिंग के तरह से बनता है। ये दोनों मिला के जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो कन्फाइनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अब क्या है कि जो मैग्नेटिक मिरर कंसेप्ट है, स्लेटर कंसेप्ट है और टोकोमैक कंसेप्ट है, वैसे तो टोकोमैक कंसेप्ट ने बाजी मार ली थी, लेकिन तकनीकी डेवलपमेंट्स कुछ हुए हैं जिसके बारे में शायद मैं बताना चाहूँगा। दो चीज़ हुआ है, एक जो मैग्नेटिक फील्ड टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम लोग अब बना पा रहे हैं, जैसा विमान जी ने बताया सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की। नॉर्मली हम लोग ने जैसे टोकोमैक में आदित्य हो या साइंस इंस्टीट्यूट में हमने 1.5 टेस्ला या 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया था, लेकिन अब ऐसी संभावनाएं हो चुकी हैं कि 32 टेस्ला तक हम पहुँच गए हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग हम मैग्नेटिक फील्ड करेंगे उतने छोटे डिवाइस में हम न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी और एक जो तकनीकी संभावना बढ़ी है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ी है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनी जिसके कारण हम बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना सकें। जैसे कि एक्सेलरेटर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसको उस एक्यूरेसी तक बनाना बहुत संभव नहीं होता था। मेरी जो पीएचडी हुई थी, जब मैं बर्कले में मैंने पीएचडी किया लॉरेंस बर्कले लैब में 86 में, तो मैंने मैग्नेटिक मिरर और एक्सेलरेटर कंसेप्ट को कंबाइन किया था, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था उसको मैन्युफैक्चर करना उस समय संभव नहीं था। लेकिन अब जो तकनीकी संभावना हो गई उसके कारण वो डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, एस्टिलेटर भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। और जर्मनी में मेंडलस्टाइन 7X को 19 साल के प्रयास के बाद अब फाइनली 2015 में शायद उसको चालू किया गया है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि तकनीकी संभावनाएं जो न्यूक्लियर फ्यूजन से नहीं आ रही हैं, दूसरे फील्ड से आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से आ रही है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से आ रही है, उसका इस पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। अच्छा। और उसके कारण हो सकता है कि टोकोमैक जो हम अभी मेन स्ट्रीम समझ रहे हैं वो उस फॉर्म में नहीं, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में न्यूक्लियर फ्यूजन हम अचीव कर पाएँ एट अ मोर इकोनॉमिकल रेट।